दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और अलग अलग तरह के होटल में घूमना पसंद करते हैं तो आपको एक बार इस होटल में जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि ये होटल बाकी सभी होटलों से अलग है। हम बात कर रहे हैं स्वीडन के आइस होटल की। वैसे तो ये होटल बहुत पुराना है, लेकिन हर साल ये आर्टिस्ट की गई कलाकारियों के कारण काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इस आइस होटल की खास बात यह है कि ये पूरे साल एक सा नहीं रहता। इस होटल को स्वीडन की टॉर नदी पे बनाया गया है। ये होटल इसी नदी पर बनकर तैयार होता है और गर्मी में इसी नदी में पिघल कर घुल जाता है। दुनिया भर के लोग सिर्फ इस होटल को देखने के लिए स्वीडन जाते हैं और यहाँ पहुंचकर हर कोई यहाँ के नज़ारे का आनंद लेता है। हर साल दुनिया भर के कलाकार यहाँ आकर अपनी कला दिखाते हैं। उन्होंने बर्फ की मोटी परत काट कर अंदर कमरों का आकार दिया है। हर साल गर्मियों तक ये ऐसे ही टिका रहता है, उसके बाद पिघलना शुरू हो जाता है। लगभग हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। होटल को दिसंबर में खोला जाता है और अप्रैल तक खुला रहता है, लेकिन अप्रैल के बाद ये पिघलकर नदी में बदल जाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोलर पावर कूलिंग के जरिए कमरों को परमानेंट डिज़ाइन दे दिया गया है। इसमें बर्फ से बने कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेंट, सेरेमनी हॉल सहित कई चीज़ें हैं। होटल की दीवारें, फर्नीचर, बार वगैरह सब बर्फ से बने हुए हैं। इंग्लैंड के डिज़ाइनर जोनाथन ग्रीन ने यहाँ रहने के लिए एक से बढ़कर एक कमरे बनवाए हैं, जिनमें कि कोरल और फिश भी हैं। और यहाँ पर पर्यटकों के लिए 1 साल से पहले की एडवांस बुकिंग करवाई जाती है। दोस्तों, क्या आप भी इस होटल में घूमना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।